पाकिस्तान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पुलवामा अटैक को लेकर। पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों और जालसाजी से बाज नहीं आएगा। जानेंगे इस खबर के बारे में सब कुछ डिटेल में। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। पाकिस्तान ने शुरू कर दी युद्ध की तैयारी। अस्पतालों को दिए हैं आदेश, घायल सैनिकों के लिए खाली रखें बेड। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाक सीमा पर तैनात टुकड़ियों के लिए युद्ध का सामान भेजने की योजना बना रहा है पाकिस्तान। अस्पतालों को भी मेडिकल सहायता तैयार रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर ने कहा है कि भारत से आ रहे दबाव के आगे झुकने की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भी पुलवामा अटैक की कड़ी निंदा की है, भारत के प्रति समर्थन जताते हुए इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान में मौजूद पाक सेना और पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं के निर्देश में कहा गया है कि भारत से युद्ध होने की स्थिति में तैयारी शुरू कर दे। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर लॉजिस्टिक्स एरिया से जिलानी अस्पताल को 20 फरवरी को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि भारत से युद्ध होने की स्थिति में मेडिकल सपोर्ट तैयार रखें। आदेश में यह साफ साफ कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की आपातकालीन स्थिति में घायल जवानों को सिंध और पंजाब के सिविल और मिलिट्री अस्पतालों से मदद मिलेगी। शुरुआती इलाज के बाद घायल जवानों को बलूचिस्तान के सिविल अस्पतालों में भेजा जाएगा। यहाँ पर उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक सिविल मिलिट्री अस्पतालों में और बिस्तरों की आपूर्ति नहीं हो जाती। सिविल अस्पतालों को बिस्तरों की संख्या 25% तक बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना कीमती लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।